एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द अनफिल्टर्ड लाइफ ऑफ स्वयंग। और मुझे देख के लग रहा होगा मैं कितना टायर्ड हूँ। माय आईज आर लाइक ब्लड रेड, आई डोंट नो व्हाई, इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ माय कॉन्टैक्ट लेंसेज और इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ टायर्डनेस। एंड आई डिडंट हैव गुड स्लीप लास्ट नाइट, लाइक लेस स्लीप, आई डोंट नो व्हाई। बट लेट मी इंट्रोड्यूस दिस वीडियो टू यू। दिस इज माय 6 to 9 रूटीन आफ्टर माय 9 to 6 वर्क लाइफ। सो आई जस्ट रीच्ड होम। आज 25th March है एंड आज एक्चुअली हम लोग का फ्लेक्सिबल हॉलीडे था, तो बहुत लोग लीव पे थे, उसके वजह से आज काफ़ी ज़्यादा कम ट्रैफिक भी था बिकॉज होली की वजह से बहुत सारे ऑफिस बंद थे। तो आज एक्चुअली फर्स्ट टाइम बैंगलोर में मैं 45 मिनट्स में सुबह ऑफिस पहुँच गई थी एंड आई लेफ्ट ऑफिस थोड़ा सा अर्ली आज, अराउंड 5 o'clock, एंड आई रीच्ड होम अराउंड 6। सो यूजली मुझे 8 बज जाता है घर पहुंचने में, एंड आने के बाद मैं भागती 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 रहती हूँ, जल्दी जल्दी से तैयार होती हूँ और हम जाते हैं जिम। तो इट इज़ अराउंड 6:30 राइट नाउ एंड मायंक हैज़ जस्ट गॉन आउट फॉर चेकोस सुसु पार्टी। आई एम जस्ट गेटिंग रेडी, विल हैव अवर प्री वर्कआउट एंड वी विल हेड टू जिम राइट अवे, क्योंकि घर पर आने के बाद I still have some work stuff to be done. This is what I wore to office today. I got these pants from Meesho and these pants are like really nice and fitted and very comfy, and this top is from Global Desi. I think that's the brand's name. Huh? Global Desi, which is this top is pretty old. I think I got it and even before pandemic, so it's pretty old. So yeah, I'll just quickly change into my gym outfits and we will go and have our pre-workout. आज मैं नहीं आ रहा है, आज मैं वर्कआउट कैसे करूँगी। But by the way, if you are new here, my name is Pranali Saha Bahel. My and my husband Mayank Bahel, we run this channel together, The Unfiltered Life of Swayang, and we make all kinds of videos from bodybuilding, fitness, our daily life vlogs, travel vlogs, and many 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 things more. So please consider subscribing to this channel and we are definitely gonna have a lot of fun together. So dekhte aaj kya pehnu main. Aaj mera leg day hai aur maine na actually lens lagaya hua hai aur uske wajah se shayad mera eyes zyada red ho raha hai. So I think I have to remove my lens and go for my workout, warna it's not gonna work out. To wear shorts. कौन सा वाला पहने, ये वाला पहनते हैं। ये वी विल टेक आउट अ ओवरसाइज टी शर्ट। ये ग्रीन वाले के साथ पहनने के लिए आई हैव अ ग्रीन टी शर्ट जो मैंने जूडियो से लिया था, पर आजकल मुझे मिल नहीं रहा है यार, पता नहीं कहाँ चला गया है। एक तो आई कीप माई थिंग्स इन नॉट सो गुड कंडीशन, जिसके वजह से मायंक मुझे बहुत डांटता है। What to do, guys? So I couldn't find my green T-shirt. So this is what we are wearing. We'll wear these shorts and we'll wear this oversized T-shirt. Super comfy and we'll work out. So कल हम working from home. So बहुत ज़्यादा hectic नहीं रहेगा, वरना अगर back to back I have to go to office. So I come back from gym and then I do my meal prep और डब्बे डब्बे में पैक करके रखती हूँ मेरा खाना, माया का खाना तो बहुत टाइम लग जाता है। बट सिंस टुमारो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, वी विल प्रिपेयर अवर मील्स बट विल नॉट पैक इट इनटू बॉक्सेस। फालतू में ज़्यादा बर्तन धोना पड़ता है यार, इतना नहीं हो सकता है। लग रहा है ये लेंस के वजह से मेरा आईज ज़्यादा रेड हो रहा है। मेरा पावर बहुत हाई है, मेरा -6.5 पावर है और मैं बहुत बचपन से इसीलिए कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रही हूँ। माय डॉक्टर काइंड ऑफ टोल्ड मी टू। सो अभी तो मैं जब बाहर जाती हूँ तभी आई वेयर लेंसेज, अदरवाइज घर पे रहती हूँ तो आई प्रेफर टू वेयर स्पेक्स ओनली। आई फील बेटर। मच बेटर। मुझे फिर भी थोड़ा धुंधला धुंधला तो दिख रहा है बट इतना इरिटेशन नहीं हो रहा है। सो दिस
these are rice cakes, and I love eating rice cakes for pre-workout, especially on a cut. So I don't like very heavy pre-workout like oats. So we'll have two of these rice cakes and one scoop of whey protein. I use this whey protein from Gorilla Labs. I have been using their products for more than a year now. So I use EAA, creatine, whey protein, and pre-workout, all from Gorilla Labs. And this whey protein is an Alfonso mango flavor. Summers mein, it literally tastes like mango lassi. You should try it. I'll link down the product in the description. You will love this Alfonso mango flavor. Like, they have three different kind of flavor, and every time I get the Alfonso mango only, because it's so good and it tastes like mango lassi, literally mango lassi. I go to office, I get so tired ki pre-workout becomes a necessity for me, and I take this pre-workout from Kong Nutrition AMP. Kong Nutrition is the parent company of Gorilla Labs, and they were so kind to send me this pre-workout when it launched, I think last year, and this is so good. And this is an orange flavor. I'll get my shaker. Okay guys, so if you have a habit of taking pre-workout, try to take it with cold water, because it just tastes so much better with cold water, especially in the summers. And we have a leg day today, but I am trying to keep my leg day light today, kyunki kal hum log home tour vlog bana rahe the, I and Mayank. So before that we cleaned the whole house, because Sunday tha and Sunday hamara reset day hota hai. We clean everything around the house and all those things. So we were doing that, and then we had two videos to shoot, and we had some guests over as well. So while I was working doing the household chores, I kind of injured my back, aur mujhe bahut zyada lower back pain ho raha hai. So अभी जैसे इफ़ आई एम स्टैंडिंग और सिटिंग इट्स नॉट पेनिंग दैट मच, बट द मोमेंट आई स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट और पिकिंग थिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड, इट स्टार्ट्स पेनिंग राइट ओवर हियर, एंड इट इज़ सो अनॉइंग बिकॉज इट लिटरली रिड्यूसेस माई कैपेसिटी टू लिफ्ट वेट, स्पेशली ऑन लेग डेज, एंड आई रियली रियली एन्जॉय हैवी लेग डेज. तो आज थोड़ा लाइट रखेंगे एंड ओवरऑल पूरा लेग्स मारेंगे, ऐसे ग्लूट्स या हैमस्ट्रिंग क्वाड्स को अलग अलग करके नहीं मारेंगे. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. इन टाइम मयंक इज हैविंग हिज प्री वर्कआउट मील, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द अमेजन गाय टू कम एंड डिलीवर समथिंग दैट आई हैव बीन डेस्परेटली वेटिंग फ्रॉम सिंस यस्टरडे. सो आई सॉ दिस वायरल शू क्लीनर्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई ऑर्डर्ड वन फॉर माई वाइट स्नीकर्स, क्योंकि इतना आई लव वाइट शूज़, आई लव एवरीथिंग वाइट. ओके, एंड मेरे जितने भी स्नीकर्स है सब वाइट है, एंड वो ना इतना जल्दी गंदा हो जाता है, और फिर वो पहनने में ना खुद को बुरा लगता है, खुद को शर्म आती है, एम्बेरसिंग लगता है एक गंदा सा वाइट स्नीकर पहन के वर्कआउट करने में. सो आई ऑर्डर्ड दिस शू क्लीनर. ऑलरेडी मेन गेट में एंट्री अप्रूवल हो चुका है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग हिम एनी सेकंड. फाइनली बहुत टाइम वेट करने के बाद वो बंदा आ गया फॉर डिलीवरी, एंड वी गॉट इट. मैंने बहुत सारे वो स्नीकर लवर्स होते हैं ना, उनके वीडियोस देखा, एंड देन आई ऑर्डर दिस वन. दिस इज स्नीकर क्विक शू क्लीनिंग किट, समथिंग लाइक दैट. इसमें कोई तो फोमिंग जेल है विच यू कैन अप्लाई ऑन योर स्नीकर्स, एंड वो क्लीन हो जाता है. इसमें वी हैव दिस स्प्रे हियर, एंड एक ब्रश भी आया है इसके साथ, ब्रश भी आया है, उसके ब्रिसल्स काफ़ी अच्छा है. थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं. शूज़ है जो बहुत गंदा हो गया है, हम बस साइड से थोड़ा सा साफ़ करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जब तक मैं उसका यूज़ नहीं करूँगी मुझे ना तसल्ली नहीं आएगा. ओके, फर्स्ट यू हैव टू चेक द प्रोडक्ट. ज़्यादा शेक कर दिया गया नहीं. ओके, तो बेसिकली इससे फोम निकलना चाहिए. लेट्स सी. नाइस. एंड देन यू हैव टू ब्रश इट.
क्लीन इट विद अ माइक्रोफाइबर क्लोथ. देखो साफ तो हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से तो किया नहीं है, जस्ट टेस्ट कर रही थी, बट लुक्स क्वाइट क्लीन. नीचे वाला मैंने क्लीन किया है और ऊपर वाला गंदा वाला है. क्लीन तो हुआ है. प्लान टू फिल्म माई एंटायर वर्कआउट क्योंकि आई हैव ऑलरेडी माई बैक इज इंज्योर, सो आई रियली वॉन्ट टू फोकस ऑन माई लेग वर्कआउट एंड नॉट इंज्योर माई बैक एनी मोर. सो मे बी ओनली बिट्स एंड पीसेस ऑफ माई वर्कआउट यू बी सीइंग इन दिस ब्लॉग. एंड इफ यू गाइज रियली वॉन्ट टू सी माई लेग वर्कआउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो, तो मैं एक सेपरेट लेग फोकस वर्कआउट आई क्रिएट फॉर ऑल ऑफ यू. जब मैं आने से पहले वे प्रोटीन फ्री वर्कआउट सब कुछ लेके मैं इतना सारा पानी पी लेती हूँ कि वर्कआउट के बीच में 2-3 बार मुझे सुसु आ जाता है. टू मच इन्फॉर्मेशन, सुसु तो सब करते हैं. टेकिंग DAA फ्रॉम गोरिल्ला लैब्स, दिस इज अ मैंगो पीच फ्लेवर एंड ये अमाइनो एसिड्स है. इट हैज़ ऑल दी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड. इट इज़ नॉट ECAA, दिस इज DAA एंड इसके साथ इट हैज हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज एज वेल, सो इट्स रियली गुड फॉर समर्स. जस्ट रियलाइज दैट आई हैव फॉरगॉट टू ब्रिंग माय हेडफोन्स. बिना हेडफोन का वर्कआउट करना इज लाइक बिना प्री वर्कआउट का जिम आना. We are back from the gym and all. It's 10 o'clock right now. और मेरा दिमाग ऑलरेडी सिग्नल दे रहा है अभी कि सोने जा सोने जा सोने जा. एंड माई माइंड इज़ ऑलमोस्ट ऑफ, बट वी नीड टू ईट नाउ. विल हैव अवर लास्ट मील, आवर डिनर, एंड थोड़ा बहुत मील प्रिपेयर करेंगे कल के लिए एंड देन विल गो ऑफ टू स्लीप. तो अभी तो बहुत काम है. सो वट आई एम डूइंग नाउ इज़ ये चिकन मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा था परसों, सो आई विल जस्ट एयर फ्राई दिस चिकन एंड कुछ चिकन ऑलरेडी बना हुआ है. डिश पिकल बनाया था. दिस इज अ कोरियन डिश. तो इसमें क्या होता है, दे टेक विनेगर, शुगर और क्या नाम है, हल्दी को मिक्स करके रेडिश को जो मूली होती है उसको चॉप करके यू जस्ट पुट इट एंड यू कैन कीप दिस फॉर लाइक लॉन्ग, लाइक 2-3 वीक्स, क्योंकि विनेगर है तो ख़राब नहीं होगा एंड इट्स लाइक वेरी 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 क्रंची, सो गुड. ग्राम्स ऑफ चिकन ईच, तो 50-50 मिला के ये चिकन कीमा से मैंने बनाया है. स्मेल्स सो गुड. कि चिकन कीमा को ऐसे प्याज वगैरह जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह मिक्स करके आई हैव मेड दिस टिकी, व्हाट डू यू कॉल, पैटी काइंड ऑफ थिंग. सो इसके ऊपर अभी हम बर्गर का ब्रेड यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ टोटल 100 ग्राम्स ऑफ चिकन और ये उसके फ्राइज़ के लिए, दिस विल गो इनटू द एयर फ्रायर.
बट आफ्टर टेकिंग अ शावर सो रिलैक्स्ड, कितना मज़ा आता है रात को नहा के सोने में. सबसे पहले ट्रेटन ऑयल क्रीम, आई एम यूजिंग 0.025. ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मैं ये ऑलमोस्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ एंड अभी तक चल रहा है. इट कॉस्ट मी ओनली लाइक 190 रुपीज़ अराउंड.